नमस्कार। सो राजस्थान का भी राउंड वन का रिजल्ट आ गया है और राजस्थान हम जानते हैं बहुत इंटरेस्टिंग केस है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड सुडाई से सबसे ज़्यादा आपको झूठे फोन एजेंटों के राजस्थान के लिए आते हैं, राइट? क्योंकि मैंने आपको सबको समझाया है, वीडियो पे बोलना मुश्किल हो जाता है कि राजस्थान में एक स्कीम चलती है जिसमें अलॉटमेंट से पहले ही आपकी फीस भी ट्रांसफ़र कराई जाती है काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में, राइट? ऐसा और हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं होते मिलेगा, बट राजस्थान में होता है। राजस्थान में ही आपको ये जो सरकारी कॉलेज की पेड सीट होती है इसका लालच दिया जाता है। ये जो कॉलेजों की हम कहते हैं ना कि जीएमसी की मैनेजमेंट सीट जिसको बोलते हैं सरकारी पेड सीट, तो आज आपको भाई दिखाता हूँ मैं कि ये सरकारी पेड सीट भी सिर्फ राजस्थानी को मिलती है, किन मार्क्स पे मिलती है, और बाहर वालों का कोई इस सीट पे लेना देना नहीं होता। ये वो जो 9 लाख रुपये साल की फीस होती है, और ये हमारी हम ये सब तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया ही था, राइट? ये जो सरकारी आया था जैसे कि चौथे में जिसमें ये फीस है, पेमेंट सीट जिसे हम कहते हैं, जो कि 9 लाख रुपए की होती है, कि ये भी राजस्थानी ही लेता है। तो आइए देखते हैं, ये आ गया राजस्थान का हमारा अलॉटमेंट। ऑल इंडिया रैंक 114 इनका टॉपर है, उसके बाद 217, 504। सच बताऊँ मुझे कम नज़र आ रहे हैं कि भाई राजस्थान जैसे स्टेट के टॉप 500 में सिर्फ 4 बच्चे हैं, मतलब कि ये तो 1% भी नहीं हुआ। जबकि वैसे देखा जाए तो राजस्थान का जो प्रेशर है वो बहुत रहता है। तो वंस अगेन बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें हैं सर मेरे लिए, चाहे राजस्थान की लिस्ट थी चाहे हरियाणा की लिस्ट थी, क्योंकि जो परसेंटेज टॉप्स पे होते हैं ना, या तो सारे टॉपर दिल्ली ने मार रखे हैं, वरना राजस्थान बहुत मारता था। और मैं उम्मीद करता था कि भाई हर टॉप 100 में 2 तो राजस्थान के होने चाहिए। अगर हम सिंपल भाषा में परसेंटेज की भी बात करें कि राजस्थान में जितना बच्चा पढ़ता है और जितना राजस्थान, आपको पता है कोटा बच्चे जाते हैं और 11th 12th कोटा से करते हैं, तो वो टिपिकली राजस्थान के डोमिसाइल बन जाते हैं काफ़ी हद तक बैकग्राउंड से भी। तो वो सब होते हुए भी अगर राजस्थान का स्टेट रैंक थोड़ी नीचे आ रही है तो थोड़ी सरप्राइजिंग की बात है। जिन लोगों ने राजस्थान से मेरिट लिस्ट से पार्टिसिपेट किया है उनके हिसाब से, और इन जनरल भी, मतलब राजस्थान में जो कल्चर है कोटा का, मैं थोड़ा हैरान हूँ। आगे बढ़ते हैं तो वही सब सब जानते हैं, सबकी पहली चॉइस जो मैं सबसे कहता हूँ MGM, वो महात्मा गांधी मेडिकल जयपुर, राइट? सॉरी, सवाई मानसिंह SMS, SMS जयपुर चलता है, फिर RUHS जयपुर आना शुरू हो जाता है, फिर वो बीकानेर वाला आएगा, और धीरे धीरे करके ये बीकानेर वाला आ गया जो कि लोगों की नेक्स्ट पसंद होती है। बीच में उदयपुर आ गया और जोधपुर, जो इनके पुराने 4 कॉलेज हैं। ये सब आम बातें हैं। कट ऑफ जो राजस्थान की सरकारी सीट के लिए गई है वो बहुत ऊपर गई है, और वो मैं कट ऑफ अगर आपको दिखाऊं कि एज पर जो भी टीम ने निकाला है कि जो राजस्थान की सरकारी कॉलेजों की कट ऑफ है, वो खासकर जो फ्री सीट है ये भी 633 नंबर और 12,714 रैंक है। तो आप इमेजिन कीजिए, राजस्थान हरियाणा से भी ऊपर, दिल्ली तो देखिए अभी तो अलग पता चलता ही नहीं जब तक IP ना आए ना। सो बाकी जितने नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, याद कीजिए हिमाचल 540, देहरादून 590 था, पंजाब भी 610 था, हरियाणा 625 था, और ये 633। और दिल्ली अगर इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो वो तो उसके भी ऊपर जाएगा। जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और बिहार, दिल्ली इंडिया के 4 सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट। बट जो पेड सीट है ना, पेड सीट ये भी 588 580 नंबर पर ख़त्म हो जाती है, 9 लाख रुपये वाली। ये सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अब जाते हैं अगले पे, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो बहुत शानदार कॉलेज है MGM जयपुर, राइट, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर, इसका थोड़ा देखते हैं कि क्योंकि प्राइवेट में नंबर वन है हम जानते ही हैं, और इसकी जो नॉर्मल फीस है वो और भी बहुत कम है। और राउंड वन हम बार बार कहते हैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थानियों के लिए ही है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, ठीक, 15 लाख नॉर्मल फीस, 26 लाख फीस। सीट मैट्रिक्स देखते हैं कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये मैं जामुच से आपको दिखा रहा हूँ फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। ये भी डेंटल चल रहा है,
ये आ गया महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जिसमें कि डेंटल, चल हम डेंटल में चले गए थे। ये आ गया, और ये जो बाकी सीट्स जो बटी हुई होती हैं, तो हम इनकी बात करें तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जनरल सीट 58 है, उसका डिवीजन है कि टोटल जो 212 है वो किस तरीके से बढ़ती है, ठीक है। और इसके अलावा फिर जो इनकी मैनेजमेंट सीट्स हैं, वो ये आ गई, क्योंकि टोटल 38 है मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि इस 38 में से कितनी सीटें ली गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहता था कि MGM जयपुर जैसा भी कॉलेज, जो कि बहुत शानदार कॉलेज है हर लिहाज से, इन्होंने फीस इतनी बढ़ा रखी है कि वो भी स्ट्रगल कर रहा है। सो जहाँ तक तो उसकी नॉर्मल सीट की बात है, और हम अलॉटमेंट में अगर हम जनरल अलॉटमेंट बॉयज़ पकड़ लें, तो जितनी भी सीट मैट्रिक्स में सीटें थी सारी ही राउंड वन में अलोकेट हो गई है। और आप देखिए कि ऑल इंडिया रैंक 35,000 से शुरू होके तकरीबन ऑल इंडिया रैंक 91,000 पर ही खत्म हो गई है। और हम जानते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 91,000 इस समय 500 नंबर के ऊपर चल रहा है, राइट। सो 500 नंबर के ऊपर ऊपर ही खत्म हो गया MGM जयपुर। और टोटल कितनी सीटें थी यू आर बॉयज को जो अलोकेट होनी थी, 58। और सीट मैट्रिक्स भी आप देखेंगे, जो कि जनरल सीट थी आई थिंक वो थी एग्जैक्ट 58, और सब लोग जाके ले भी लेंगे। लेकिन चूंकि 27 लाख मांग रहे हैं मैनेजमेंट सीट का, तो जब मैनेजमेंट सीट की बात आई तो ऐसे कॉलेज ने भी स्ट्रगल करा है फिलहाल राउंड वन में, और उनकी सभी सीटें फुल नहीं हुई हैं। अगर मैनेजमेंट सीट में पकड़ लूँ, ये तो पूरे 11 ने ले ही लिया जी, लेकिन टोटल में देखूं तो शायद पूरी 38 से भी खत्म नहीं हुई। और फ्री एग्जिट है, लेकिन जहाँ तक जनरल की बात है वो सब लोग ले चुके हैं। और जनरल के अंदर भी अगर आप कट ऑफ देखेंगे, तो इतनी महंगी होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। 2,38,940 रैंक पर भी 27 लाख की सीट खत्म हो रही है। सो ये बस कह लो जलवा है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का। और उसके अलावा जैसे जैसे आप इन कॉलेजों हटके दूसरे कॉलेज में जाएंगे, निम्स ने चूंकि सीट बहुत नहीं बढ़ाई है, दूसरा बहुत, मैं फिर से क्या शब्द बोलूँ कि मेरे पास आ रहा था कि जी निम्स मिल जाएगा, जी निम्स मिल जाएगा, तो मैं कहा आपको जरा निम्स दिखाता हूँ मैं, क्योंकि निम्स इस लिस्ट में पता नहीं क्यों निम्स है ना वो उसमें आ नहीं रहा था। शायद मैंने वो वॉइस कर रखा था इसलिए ना आया हो। अब देखते हैं एक बार मैनेजमेंट भी आ गया, ठीक है। अब देखिए निम्स की चूंकि मैनेजमेंट सीट उतनी महंगी नहीं है, लेकिन अभी राजस्थान के बच्चों ने जनरल सीट ही करना प्रेफर किया है, तो मैनेजमेंट सीट में आप ये मान के चलिए कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुई है, राइट। एक अलॉटमेंट हुई है बस, जिसकी 6 लाख रैंक है राजस्थान में, और यही हमेशा होगा। तो चाहे जिस बच्चे की 6 लाख रैंक भी होगी उसको हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी हमसे, लेकिन अभी राउंड वन में अलॉटमेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह यह है कि निम्स की फीस भी उतनी महंगी नहीं है, फिर भी 19 लाख और 22 लाख है। तो जैसे जैसे जब बच्चों को सीट नहीं मिलेगी, जैसे मैंने कहा राउंड 1, 2, 3 जो राजस्थान के बाकी बच्चे हैं, तो इस सीट पे पहला हक राजस्थानी बच्चे का है, और राउंड 3 में आके ये नॉर्मल बच्चे को मिल जाती है जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करता। लेकिन फिलहाल सिर्फ एक सीट अलोकेट हुई है, करेक्ट। अब इसी तरह देखते हैं कि जो और बहुत फीसें मांग रहे थे उनका क्या पोजीशन है, तो पैसिफिक इंस्टीट्यूट, करेक्ट।
ये तो खैर बाहर ही हो गया इसलिए आ ही नहीं रहा होगा। नहीं, पिम्स तो आ रहा है, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज बाहर हुआ है, उसकी जनरल सीट है। खैर मैं चेक कर लूँ कि मैंने सारी ले रखी है ना, इसमें भी कोटा होता नहीं है ना प्राइवेट में उस तरीके से। ले लेते हैं एक बार फिर से और देखते हैं कि MBBS मैनेजमेंट की मतलब एक भी सीट एलोकेट नहीं हुई है, और जो इवन जनरल सीट है सब मिला के भी अभी तक से 24 एलोकेट हुई है। मतलब बाकी इसके अलावा लोगों ने एलोकेशन भी नहीं लिया है कि महंगाई इतना है। अब पैसिफिक जो नॉर्मल जयपुर है